गाजीपुर से मोहम्मद इसरार पत्रकार की रिपोर्ट। समाज सेवी राजकुमार पांडे के सपा की सदस्यता ग्रहण करते ही जिले में सियासी हलचल तेज। समाज सेवी से समाजवादी नेता बने राजकुमार पांडे का सपाइयों ने किया भव्य स्वागत। गाजीपुर समाज सेवी से समाजवादी नेता बने पूर्वांचल युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार पांडेय के जनपद में प्रथम आगमन पर पार्टी कार्यालय लोहिया भवन पर कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। इस बीच अखिलेश यादव, राजकुमार पांडेय जिंदाबाद के नारे लगते रहे। पिछले दिनों 19 तारीख को लखनऊ में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की मौजूदगी में राजकुमार पांडेय ने एक कार्यकर्ता के रूप में समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की थी, जिसके उपरांत शुक्रवार के दिन उनका प्रथम आगमन जनपद में हुआ। लगभग 11:30 बजे बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंचे राजकुमार पांडेय का वहां मौजूद समर्थकों द्वारा माला फूल पहनाकर स्वागत किया गया। अबनी हार, सैदपुर, देवकली, बनगावा मोड़ समेत लगभग 15 जगहों पर उनके समर्थकों ने माला फूल पहनाकर स्वागत किया। लगभग 100 गाड़ियों के काफिले संग सैदपुर डाक बंगले पर पहुंचे और वहां बसपा के नेताओं पर जमकर निशाना साधा। वहां पत्रकारों से बातचीत में बताया कि जिले की प्रत्येक विधानसभा में पहुंचकर समाजवादी पार्टी को मजबूत करने का काम करूंगा। साथ ही कहा कि आज मेरे साथ जो लोग यहां पहुंचे हैं, ये उनका मेरे प्रति स्नेह दर्शाता है। उन्होंने कहा कि आगामी 2022 चुनाव में जिले के सभी विधानसभाओं में समाजवादी परचम लहराएगा। इस मौके पर सपा विधायक डॉक्टर वीरेंद्र यादव ने कहा कि राजकुमार पांडेय के दल में आने से समाजवादी पार्टी को मजबूती मिलेगी। इस अवसर पर सोनू पंडित, ब्रिजेश पाठक, गोपाल पांडे, युवा किसान नेता आलोक सिंह मौजूद रहे। कुछ दिन पहले सतीश मिश्रा जो है बसपा का सम्मेलन किए हुए और आप सपा ज्वाइन करके गाजीपुर की राजनीति में हलचल ला दिया, क्या कहना चाहिए? देखिए, बहुजन समाज पार्टी पूरे प्रदेश से साफ हो चुकी है और ये नई हवा है, नई सपा है, नौजवानों का साथ है, बड़ों का आशीर्वाद है और इस बार उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार समाजवादी पार्टी की बनेगी और आदरणीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए नौजवान घर घर जाएगा, अपना बूथ जिताएगा और अपनी जिम्मेदारियों को निभाएगा। जितनी भीड़ बहुजन समाज पार्टी के कार्यालय और उस आयोजन में रही होगी उससे ज्यादा भीड़ अभी हमारे साथ है। आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि बहुजन समाज पार्टी कहाँ है।